मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सभी को ऋषिकेश एम्स भेजा जाएगा। अब तस्वीरें आप देख सकते हैं, सभी श्रमिकों को ऋषिकेश एम्स भेजा जा रहा है। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां सभी श्रमिकों को ऋषिकेश एम्स भेजा जा रहा है एयरलिफ्ट करके। अभी कुछ देर पहले खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी इन सभी श्रमिकों से मुलाकात करने पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य परीक्षण के लिए और बेहतर इलाज के लिए सभी को ऋषिकेश एम्स भेजा जाएगा। और इसी को लेकर अब तस्वीरें आप देख सकती हैं, एयरलिफ्ट करके सभी श्रमिकों को ऋषिकेश एम्स भेजा जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमसे जुड़ चुके हैं। पंकज, ऋषिकेश एम्स सभी श्रमिक भेजे जा रहे हैं, जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जैसा मैंने कल भी कहा था कि जिस तरीके से तमाम जो श्रमिक हैं जिनको बचाया गया उनको हो सकता है एयरलिफ्ट भी किया जाए, तो उसके लिए चिन्यूक जो है वो वहाँ पर मौजूद था। इसके अलावा तमाम हेलीकॉप्टर और एयर एम्बुलेंस जो है वहाँ पर मौजूद रखी गई थी सरकार के द्वारा, तो आज उसका उपयोग करते हुए उनको फर्दर जो परीक्षण है उसके लिए उनको एम्स ऋषिकेश में लाया जा रहा है, जहां पर उनका और बेहतर तरीके से इलाज हो सकेगा। क्योंकि चिन्याली सौण में एक अस्थायी रूप से पूरा वहां पर अस्पताल बनाया गया था, लेकिन क्योंकि यहां जो एम्स है वो हाईली इक्विप्ड है हर तमाम की परेशानी के लिए, चाहे मानसिक हो चाहे तमाम चीजें हो, तो इन तमाम चीजों के लिए उनको वहां लाया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है। जो जो परीक्षण में जो ठीक रहेगा उनको छोड़ दिया जाएगा और बाकियों का वहां पर रहकर इलाज कराया जाएगा। जी, तो जिस तरह से अभी जानकारी सामने आ रही है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि एयरलिफ्ट करके सभी श्रमिकों को ऋषिकेश एम्स ले जाया जा रहा है, आगे का क्या कुछ प्रोसेस होगा? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि चूंकि लगभग 17 दिन वो अंदर रहे हैं सुरंग के अंदर और एक ट्रॉमा वाली सिचुएशन जरूर रहती है उनके लिए। हालांकि जो तमाम लोग बाहर आए वो स्वस्थ लग रहे थे और किसी को बुखार तक नहीं था, ये तमाम चीजें जो हैं वो साफ तौर पर दिखाई दी। लेकिन क्योंकि सरकार हर हिदायत वो कर लेना चाहती है और खुद प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री को निर्देश दिए थे कि इनकी तबीयत, इनके इलाज, उसकी तमाम जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री को निर्देश दिए गए हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। साफ तौर पर प्रधानमंत्री को भी निर्देश दिए, प्रधानमंत्री के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है और अब इन तमाम लोगों को जो है वो एम्स ऋषिकेश में लाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। जी पंकज, श्रमिकों के साथ क्या उनके परिजन भी साथ में मौजूद है? देखिए, अगर चिनूक एयर प्लेन से उनको लेके जाया जा रहा है तो मुझे लगता है कि उनके परिजन भी उनके साथ होंगे, क्योंकि अब कोई ऐसी वो भी नहीं है कि उनको वापस जो है उत्तरकाशी लाना होगा या फिर जो है अगर कहा जाए तो उनको जो है उनके परिजन भी वहां से उनके साथ मुझे लगता है उनको भी लेके जाया जा रहा है ऋषिकेश, और वहीं से ही अगर जो स्वस्थ रहेंगे जिनके परीक्षण ठीक रहेंगे उनको जो है वहां से रवाना कर दिया जाएगा। जी पंकज, जिस तरह की अभी हमने थोड़ी देर पहले तस्वीरें देखी, खुद अस्पताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी श्रमिकों से मुलाकात करने पहुंचे और जिस तरह से ऐलान किया गया था 1-1 लाख के धनराशि प्रदान करने का, उन्होंने प्रदान भी किया अपने हाथों से और श्रमिकों में हमने देखा कि काफी खुशी की लहर थी। देखिए, मुख्यमंत्री ने तो अपना जो वादा किया है, पहले तो उन्होंने वादा किया था उनको बाहर निकालने का, उस वादे को पूरा किया है मुख्यमंत्री ने, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने वादा किया था इन तमाम लोगों के समूचे इलाज को करवाने का, उस वादे को भी मुख्यमंत्री पूर्ण करते हुए नजर आ रहे हैं। और चाहे एम्स में हो चाहे चिन्याली सौण में हो, हर तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो रखी गई थी, अब उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द वहां पर भी उनका जो इलाज है वो पूर्ण होगा और उसके बाद उनको जो है उनके घरों की तरफ को रवाना किया जाएगा। क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं वो न दीपावली मना पाए न छठ मना पाए, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं कि इन तमाम लोगों को जो है उनको इनकी तमाम परिवारों के साथ इनको रवाना किया जाएगा और इनके परिवारों को घर तक छोड़ने के तक के जो निर्देश हैं वो भी उसका वहन भी जो है सरकार उठाएगी। तो कुल मिलाकर उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये अपने घर पहुंचेंगे, इनके परिजन जो है वो दीपावली और छठ जो है
को मनाते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं इनकी जो इतने दिनों की जो इंतजार था घर पहुंचने का वो अब खत्म होगा। जी पंकज, जिस तरह से अब 41 के 41 मजदूर ऋषिकेश से एम्स जा रहे हैं, उन्हें ले जाया जा रहा है, तो वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, वो तो पूरा एक हाईली एक्यूब्ड अस्पताल है और वो भी वो मेडिकल वो है और इसलिए वहाँ पर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं पहले से मौजूद हैं। सरकार की तरफ से तो वहाँ पर नहीं की गई है, लेकिन जो एम्बुलेंस वहाँ पर अभी जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचेंगे वो जोली ग्रांट एयरपोर्ट में, वहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से जो है उनको ले जाया जाएगा जो एम्स अस्पताल है। टेस्ट जो होने हैं वो भी किए जाने हैं, तो उन तमाम चीजों की जो उपलब्धता है वो सारी एम्स में मौजूद है। तो इसलिए अगर मेडिकल साइंसेज की बात की जाए तो एम्स का अपना जाना माना नाम है, इसलिए वहां पर तमाम व्यवस्थाएं पहले से मौजूद हैं। तो उन तमाम लोगों के वहां पर फर्दर टेस्ट होंगे और टेस्ट जैसे मानसिक रूप से है या फिर किस तरीके के ट्रॉमा रहा है और तमाम फिजिकल उन तमाम चीजों की वो भी रहेगी। तो ये तमाम चीजें हैं जिनके उनके टेस्ट किए जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि जो जो इस टेस्ट में पास होते जाएंगे उनको जो है डिस्चार्ज किया जाता रहेगा और वहां से जो है वो अपने घर जा सकेंगे। जी पंकज, जिस तरह से कल लंबे समय बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, हमें सफलता मिली और देखा जाए तो श्रमिकों के परिवारों में और जो निवासी हैं तमाम लोग हैं, लगातार वो सरकार की और केंद्र सरकार की, फिर चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, इंजीनियर्स हो, अफसर के, सभी का आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, ये तो होना ही है और अगर कहा जाए तो 17 दिन वो अंदर रहे क्योंकि अंदर क्लोज टनल में वो थे, तो वहां पर किस तरीके की हवा उन्होंने इनहेल की है, इसके अलावा जो धूल मिट्टी के कण है उनके अगर कहा जाए तो किस तरीके से उनके किडनी और जो उनका छाती है उसमें किस तरीके के वो हैं, तो इन तमाम चीजों के टेस्ट किए जाएंगे। और आपने जिस तरीके से कहा, जो श्रमिकों के परिजन जो तमाम लोगों ने उनको निकालने में कोशिश की है उनको धन्यवाद देते हुए नजर आए, वो तो कहीं ना कहीं जो रेट माइनर्स हैं उन्होंने, इसके अलावा जितने भी इंजीनियर्स वहां पर काम कर रहे थे उन तमाम लोगों का तो जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है, क्योंकि एक तो उन्होंने उत्तराखंड की लाज बचाई है पूरे देश के सामने और साफ तौर पर अगर कहा जाए तो इन तमाम 41 लोगों की जान तो बचाई है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री ने भी उन तमाम लोगों का कृतज्ञता जताई है और साथ साथ कल मुख्यमंत्री ने उनके साथ फोटो भी खिंचाई, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सबने उनको धन्यवाद दिया है। और जो है आने वाले समय में कभी ऐसी घटनाएं ना हो, इन तमाम चीजों से हमें सबक सीखने की भी जरूरत है। और अब ये तमाम 41 जो श्रमिक हैं वो अपने घर जा सकेंगे, उससे पहले उनको एम्स लाया जा रहा है और एम्स में उनके जो परीक्षण है, जैसे मैंने आपको कहा कि इतने दिनों तक वो टनल में रहे और टनल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, आप जब साफ हवा नहीं ले पाते हैं तो कई तरीके की बीमारियां आपके जो है उसमें होती हैं, शरीर में होती हैं, तो उन तमाम चीजों को देखते हुए भी उनके परीक्षण किए जाएंगे, किस तरीके के उनकी जो है वो परीक्षण जो है वो सही निकलते हैं नहीं निकलते हैं, इन तमाम चीजों के वो की जा रही है और एम्स में उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं और इसके बाद एम्स जब वो पहुंचेंगे तो वो तमाम टेस्ट शुरू हो जाएंगे। जी पंकज, जिस तरह से विषम परिस्थिति में भी सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया और अब तो धनराशि भी दे दी गई है और तमाम तरह की मदद के ऐलान भी कर दिया गया है, तो श्रमिक के जो परिजन है वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए पूरी तरीके से रिलीव्ड महसूस कर रहे हैं, अब उनके लिए तो उनके परिजन की जान जो है वो बच गई, वो सबसे बड़ी नेमत है और इसके लिए वो बहुत कुछ भी नजर आए और सीधे तौर पर उन्होंने जो है वो तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और तमाम एजेंसियों का उन्होंने धन्यवाद दिया। अब जो ये उनके लिए घोषणाएं हो रही हैं ये तो बोनस है, ये तो उनके लिए अलग से उनको राज्य सरकारों की तरफ से, उन्होंने मांगा नहीं है कि हमें इस तरीके का कोई किसी तरीके का मुआवजा दिया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने एक लाख रुपए जो तमाम श्रमिकों को दिए हैं, उन्होंने कंपनी से भी कहा है कि वो भी अपनी तरफ से कुछ मुआवजे का ऐलान करें और इसके अलावा जो तमाम श्रमिक हैं उनको एक महीने की और या फिर 15 दिन की जो है छुट्टी विद पे जो है
वो अलॉट करे, तो कुल मिलाकर देखा जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री के आग्रह को कंपनी किस तरीके से मानती है और क्या उनकी तरफ से रहता है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए जो तमाम परिजन है वो इस बात से बेहद खुश हैं कि उनके उनके जो परिजन है वो बाहर निकल आए हैं, आज वो उनके साथ खड़े हैं, कल तक जो दीवार थी। ठीक है, धन्यवाद पंकज हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़